Now, Erosional Plane Process of erosion goes on continuously on the surface of the earth over the long run of time. Such plains are formed due to the erosion which occurs in the mountains and plateaus. Because of natural factors like river, wind and glaciers this type of plains are not completely flat but they are seen between hills of solid rocks. Plains of Canada and Western Siberia अ फॉर्म बिकॉज ऑफ़ इरोजन प्लेन्स बिल्ट बाय इरोजन आर कॉल्ड पैने प्लेन यानी इरोजनल प्लेन यानी जो इरोजन कंटिन्यूसली सरफेस होता अर्थ के ऊपर से होता रहे इरोजन यानी हवा से कि बारिश से कि नदी से या ग्लेशियर से जो मिट्टी निकल के चली जाती है और कहीं जाके सेटल होती है तो इस टाइप के प्लेन्स जो होते हैं उनको इरोजनल प्लेन बोला जाता है और ये कम्प्लीटली फ्लैट नहीं होता बट वो दो हिल्स के जो सॉलिड रॉक है उसके बीच वाला एरिया होता है जैसे कि कनाडा का प्लेन फिर वेस्टर्न साइबेरिया का जो इरोजन की वजह से बना है और इसका दूसरा नाम है पैनी प्लेन ओके नाउ थर्ड इज डिपोजिशनल प्लेन दिस टाइप ऑफ प्लेन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ एलिवियम डिपोजिटेड बाई रिवर्स ग्लेशियर्स विंड etc in lakes or seas such plains are called depositional plain and also called uh, riverine plain river river plains of ganga yamuna in india Wahango plain in north china lombardy plain formed by po river in italy are the unique examples of alluvial plains when plains are formed with the deposition of alluvial in the lakes then they are called lake fields कश्मीर वैली इज़ एन एग्जांपल ऑफ लेक फील्डिंग इंडिया ना यू कैन सी डिपोजिशनल प्लेन्स यानी ये प्लेन कैसे बनते हैं तो जो एलिवियम यानी जो सारी मिट्टी आती है रिवर के साथ बहती हुई वो कहीं पर जाके डिपोजिट हो जाती है हर एक प्लेन बनने का रिजल रीज़न तो सेम ही रहता है रिवर्स ग्लेशियर्स और विंड जो मिट्टी इन सबसे चेंज हो अपने प्लेस चेंज करती है वो तो ये क्या होता है जो रिवर्स ग्लेशियर्स और विंड की वजह से जो एलिवियम मिट्टी जो आती है बहते वो लेक्स और सी के पास वहाँ जा जाके वहाँ पे प्लेन बना देती है रह जाती है वहाँ पे तो उसको डिपोजिशनल प्लेन बोलते हैं यानी कहीं से आके सेटल होती है एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवर प्लेन और जो गंगा यमुना रिवर्स के प्लेन्स है वो यही है और चाइना में हुआंगो लॉम्बाडी जो है वो पो रिवर से रिवर का और इटली से ये सारे एग्जाम्पल्स है एल्यूवियल प्लेन्स वहाँ पे बहुत अच्छी फसल हो सकती है क्योंकि वहाँ पे एल्यूवियम ज़्यादा होता है सो इट इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉयल और ये फॉर्म्स जहाँ डिपोजिशनल ऑफ एलिवियल सॉइल होता है वहाँ पे अच्छे अच्छे लेक फील्ड्स भी बनते हैं जैसे कि कश्मीर वैली बेस्ट एग्जाम्पल है लेक फील्ड का बहुत अच्छा लेक होता है उसके आजू बाजू अच्छी एकदम ग्रीनरी होती है एंड पीपल कैन एंजॉय द्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन एंड ट्रेड एंड कॉमर्स आर एस्टेब्लिश इन द फर्टाइल प्लेन्स फ्लैट प्लेन्स हैव प्रूव मोर है प्लेन्स फर्टाइल लैंड इज मोर यूजफुल फॉर फार्म प्रोडक्शन फार्म प्रोड्यूस सप्लाई इज रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट्स प्लेन का क्या है कि जो वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन आराम से क्योंकि अच्छी एलिवियल सॉइल होता है रहने के लिए अच्छा एटमोसफियर होता है तो आराम से वहाँ इंसान बच सकते हैं इसके अलावा बिजनेस भी हो सकता है इस फर्टाइल प्लेन पर फिर फ्लैट प्लेन्स की वजह से रोड और रेलवे भी डेवलप हो सकती है सिटीज़ भी बढ़ बढ़ सकती है और वहाँ डेंस पॉपुलेशन भी हो सकता है क्योंकि सब कुछ फेवरेबल होता है तो इंसान आराम से रह सकता है अब लैंड भी फर्टाइल होता है तो फार्म्स भी होते हैं और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है एंड फार्म प्रोड्यूस सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री और फार्म्स ज़्यादा होते हैं तो रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री को चाहिए वो सब मिलता है यानी इंडस्ट्रीज भी अच्छी डेवलप होती है सो बेसिकली प्लेन्स में ही लोग रहते हैं और आराम से जिंदगी चलती है बट नॉट ऑन माउंटेन्स एंड प्लेटोस नाव वी विल सी बे गर्ल्फ एंड ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाव वी विल सी बे वॉट इज अ बे यूजली ए पार्ट ऑफ एन ओशियंस वाटर इज कॉल्ड बे दे टेक शेप लाइक ह्यूज एंड वाइड लेक सराउंडेड बाय द लैंड द बेज आ कैन बी लार्ज एंड स्मॉल इन साइज बे ऑफ बंगाल इन इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट यानी जो एरिया ओशियन ओशियन के पार्ट का एक हिस्सा मीनस ओशन का एक हिस्सा होता है ओशन का जो पानी आता है उसका एक हिस्सा होता है उसको बे बोलते हैं और वो एक ह्यूज और वाइड लेक यानी एक तालाब का शेप ले लेते हैं और उसके आजू बाजू में लैंड होता है उसको बे बोलते हैं और जो बेस होते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है बे ऑफ बंगाल इन इंडिया राइट नाउ कम्स गर्ल्फ वैन वाटरी एरिया इज सराउंडेड बाई द लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स इट इज़ कॉल्ड ए गल्फ गल्फ ऑफ खंभा एंड गल्फ ऑफ कच आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट यानी वाटर का जो एरिया होता है वो तीन साइड से लैंड से कवर्ड होता है उसको गल्फ यानी अखात बोलते हैं जो गल्फ ऑफ खंभा यानी आ, और इधर ही है एंड गल्फ ऑफ कच्छ ये दोनों एग्जाम्पल्स ऑफ गल्फ आ, गल्फ है जो थ्री साइड से लैंड से कवर्ड होते हैं और बीच में वॉटर एरिया होता है नाउ कम्स केप केप इज अ परपेंडिकुलर एंड ऑफ लैंड दैट एक्सटेंड्स इन टू द वॉटर बॉडी इट कैन ऑल्सो बी नोन एज सी लाइन फॉर एग्जाम्पल कन्याकुमारी इन इंडिया एंड केप ऑफ़ गुड होप इन अफ्रीका यानी परपेंडिकुलर यानी केप ऐसा एरिया है लैंड का ऐसे जो वाटर बॉडीज एक्सटेंड करता है वाटर बॉडी के अंदर जाता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कन्याकुमारी जो साउथ में है वहाँ से ऐसे करके फिर आ, साउथ में कवर कंप्लीट हो जाता है इंडिया और फिर नीचे बनता है ऐसे तो दैट एरिया इज कॉल्ड और फिर यहाँ पे श्रीलंका आ जाता है Yeah, so that part is called a cape. So, uh, and Cape of Good in Africa. Now, island, a piece of land that is surrounded by water from all four sides is known as an island. For example, Lakshwadeep Islands, Andaman and Nicobar Islands, Islands Shankhodwar, that is Bet Dwarka, and uh, Pirambet and pirambit Chiel Bed. जो एरिया लैंड का होता है और उसके चारों बाजू वाटर होता है यानी बीच में माउंटेन हिल जैसा होता है और चारों बाजू पानी ही पानी होता है दैट इज अज आईलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार ऑल दीज आर आईलैंड नाउ कम्स वैली लो लाइंग रीजन अमोंग द माउंटेन रेंजेस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स and block mountains erosion takes place due to flowing of rivers or glaciers as a, as a result valleys are created for example kashmir valley low lying region jo hota hai yani niche uh, ekdam steep mein mountain ke uh, pahadi ke uh, foot hills ke aas pass ka jo area low lying area wahan pe jo फोल्ड माउंटेन बनते हैं या ब्लॉक माउंटेन और जो area पूरा बन जाता है erosion होता है जिसकी वजह से तो जो एरिया वैली के जैसा बनता है यानी बहुत खूबसूरत होता है वो एरिया दैट इज कॉल्ड अ वैली जो कश्मीर है वो फेवरेट फेमस वैली है एंड स्ट्रेट अ नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइंस टू लार्जर वाटर एरियाज इज कॉल्ड स्ट्रेट फॉर एग्जाम्पल पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका यानी एक नैरो पीस होता है सी का जो दो बड़े वाटर एरियाज को जॉइन करता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट और पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है पतला सा एरिया जो दो रिवर्स दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट ओके नाउ कम्स इस्थमस और नैरो पीस ऑफ लैंड विच सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज दैट इज कॉल्ड इस्थमस फॉर एग्जाम्पल पनामा बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका स्ट्रेट होता है वो दो को ज्वाइन करता है लार्ज वाटर एरियाज को और इस्थमस होता है नैरो पीस ऑफ लैंड होता है ए जमीन का हिस्सा जो दो बड़े वाटर बॉडीज को अलग कर देता है वहाँ बीच में उतना लैंड आ जाता है जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड इस्थमस बेस्ट एग्जाम्पल इज नॉर्थ और साउथ अमेरिका बीच में के बीच में पनामा कैनल है दैट इज अस्थेमस नाउ कम्स पेन अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाई सी फ्रॉम थ्री साइड्स एंड कनेक्टेड विथ लैंड ऑन वन साइड इज कॉल्ड अ पेन यानी एक इन्वर्टेड ट्राइंगल के जैसा होता है तीन साइड से वाटर से कवर्ड होता है और एक साइड पे लैंड होता है सो दैट इज कॉल्ड पेन इन शूला ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय सी फ्रॉम थ्री साइड थ्री साइड में सी होता है और एक साइड में लैंड होता है द बेस्ट एग्जाम्पल इज साउथ इंडिया दैट इज अ लास्ट में जो इंडिया का जो लास्ट हिस्सा है वो और दूसरा हिस्सा है हमारा गुजरात में सौराष्ट्र तीनों तरफ से पानी ही पानी है एंड द साइड इट इज़ महाराष्ट्र एंड एम पी ओके सो इस तरह से वो जो थ्री साइड से कवर होता है उसको पैरेंटिला बोलते हैं सो चिल्ड्रन आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट दिस लेसन प्लीज़ सी द वीडियो केयरफुली अदरवाइज यू विल हैव अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट आर फोल्ड माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन्स एंड Everything, so please do it properly. I'm also going to show you some uh, landforms and the uh, things in a small uh, slideshow. Also, please see it and learn it thoroughly. Bye.